श्री राधा कृष्ण मंदिर टिपरा कालका में नगर परिषद कालका पिंजौर के पार्षदों ने सिंगर आशु श्रीवास्तव के रामलला भजन का किया विमोचन। श्री राधा कृष्ण मंदिर टिपरा कालका में सिंगर आशु श्रीवास्तव द्वारा अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में तैयार किए गए रामलला का मंदिर प्यारा बना अयोध्या धाम में भजन का नगर परिषद कालका पिंजौर के पार्षदों और भाजपा वरिष्ठ नेताओं ने इस भजन का विमोचन किया। सिंगर आशु श्रीवास्तव ने ये धार्मिक भजन श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को विशेष तौर पर समर्पित किया है। इस धार्मिक भजन में म्यूजिक डायरेक्टर डीजे सुल्तान और बिहार से निवासी सचिन सिन्हा द्वारा इस भजन को लिखा गया था। यहाँ पर नगर परिषद कालका पिंजौर के वार्ड नंबर 7 के पार्षद संजीव कौशल, वार्ड नंबर 4 से पार्षद विनोद सावरनी, वार्ड नंबर 5 से पार्षद नरेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 6 से पार्षद महेश शर्मा टिंकू, भाजपा मंडल अध्यक्ष कालका नराताराम, जिला ओबीसी मोर्चा से जिलाध्यक्ष सुनील धीमान, भाजपा वरिष्ठ नेता कमला श्रीवास्तव यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। रामलला के इस भजन को श्री राम मंदिर के विषय में अपने अपने विचार साझा किए गए थे। भजन गायक आशु श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले टी सीरीज कंपनी के माध्यम से उनके कई भजन मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें वे शिवरात नामक भजन को लोगों ने बहुत प्यार दिया था। रामलला का मंदिर प्यारा भजन उन्होंने इस गीत को रिलीज किया है। इस दौरान कार्यक्रम में जगदीप सेठ, लक्की शर्मा, सुरेंद्र पाल, तीरथ शर्मा, नागेश जहांग, राजकुमार, गुरमीत सिंह मित्ता, नरेंद्र कुमार, योगेंद्र शर्मा, सतीश कुमार, राम मेहता और अन्य टिपरा कॉलोनी के गणमान्य लोग यहाँ मौजूद रहे। मैं तो आशु जी को केवल शुभकामनाएं ये दूंगा कि भगवान आपको भगवान राम की कृपा पे बने, आपका भजन भी उस लेवल पे पहुंचे और न केवल आपका आपके परिवार का बल्कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। हम भी गर्व के साथ अपना सीना फुलाकर हनुमान जी के तरह कह सकें कि आशु जी हमारे भाई हैं। तो एक बार आशु जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आशु जी को कि माता जी का तो पता था कि वो बहुत संघर्षशील है, उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा की आर्थिक काम किया, आपके घर पे भी बहुत बार आए, बहुत बार मैंने भी वीडियो फेसबुक पे डाले, लेकिन आपका पता नहीं चला कि आप भजन गायक हैं। आप गाते हैं पहली बार मुझे जब पता चला, सेठ साहब ने बताया, मैं क्षमा चाहता हूँ जगदीप सेठ जी हमारे बीच में इस मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। राम मंदिर का आंदोलन जैसे हम सबने सुना होगा, 550 साल के बाद हम सब ये दिन देखेंगे कि अयोध्या मंदिर में रामलला अपने मंदिर में जाएंगे, विराजमान होंगे। नन्हे में डरने वाली बात कीजिए, जो हमारा राम मंदिर का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारत में, तो क्या पूरे विश्व में भी दूसरे देशों से भी आज सवेरे टीवी में देख रहे थे, उन्होंने भी डोनेशन दे रहे हमारे सिर्फ राम मंदिर में। और खास तौर पे आशु भाई साहब को लगभग 11 साल से मेरे ख्याल से मैं इनसे परिचित हूँ। अंकल जी थे पहले, अब वो नहीं है, आज वो होते तो शायद और ज़्यादा उत्साहित होते। लेकिन ये इसमें एक चीज़ और है, आशु जी को देख करके ये बात हमें समझ आती है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने शौक को जिंदा रख सकता है, और शौक एक ऐसी चीज़ होती है जो उसको पॉपुलर भी करते हैं, पॉपुलरिटी भी उसकी बढ़ती है। तो आमतौर पर हम कहते सुनते हैं कि काम वो करना चाहिए या सीखना चाहिए जिसमें व्यक्ति का दिल लगे, तो आशु जी को बधाई, वो काम भी ये कर रहे हैं इसमें इनका दिल लगता है। चैनल से इसको प्रसारित किया है, मेरे चैनल का नाम है आशु श्रीवास्तवा, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मुझे जो है वो आप देख सकते हैं। और
बहुत सारे चैनलों पर जो है उस पर भी आप मुझे देख सकते हैं, स्पॉटिफाई में है। रामलला की प्रेरणा मंदिर के निर्माण को लेकर ही मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि जब से हम लोग ये सुन रहे थे कि मंदिर का निर्माण शुरू, उसका निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तब से हम सब के मन में जो है, हम सब के क्या पूरे हिंदुस्तान के मन में जो है वो ये मेरे ख्याल से ये सब सोच रहे थे कि ये मंदिर जो है जब बनकर तैयार होगा, ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो कैसा लगेगा। और आज सच में जो है वो ये सपना पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को जो ये मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें हमें बहुत खुशी मिल रही है। और मैं सभी से, पूरे भारतवासियों से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग भी इसमें जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। राम जी के ऊपर में लिरिक्स मेरे पास आए थे, लेकिन मेरे एक छोटे भाई हैं बिहार में हैं, वो सचिन सिंह हैं, तो उसके इसके लिरिक्स जो हैं वो सचिन सिन्हा के लिखे हुए हैं और मुझे बहुत ही वो पसंद आया वो लिरिक्स, क्योंकि इस लिरिक्स में था रामलला का मंदिर प्यारा बना अयोध्या धाम में। ये जो मतलब कि शब्द जो थे ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और धर्म सनातन खड़ा है देखो, जैसे इसमें जो लाइन्स हैं, धर्म सनातन खड़ा है देखो अपना सीना तान के, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इस भजन की लिरिक्स, इसकी भजन की लाइनें हैं। राम लला का मंदिर प्यारा बना अयोध्या धाम में, लहरेगा ये भगवा झंडा दुनिया में बड़े शान से, राम लला का मंदिर प्यारा बना अयोध्या धाम में, राम लला का मंदिर प्यारा बना अयोध्या धाम में।